दोस्तों अभी मैं पहले इसमें पानी ले लेता हूँ, थोड़ा सा पानी ले करके और पैकिंग करके मैं दिखाऊँ। मैं जो है इसमें आपको सीलिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ से मोटर स्टार्ट करके और इसको लगाता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से जो है मैं लगा दिया हूँ और ये देख लीजिए सीलिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से सीलिंग होके इधर निकल जाएगा। उसके बाद मैं हाथ में ले करके इसे मैं दिखा दूँगा आपको। तो ये देख सकते हैं, ये जो है ये देखिए ये किस प्रकार से ये पानी है और ये बिल्कुल सील हो चुका है। क्या आप भी 20,000 रुपये से रोज़गार को स्टार्ट करना चाहते हैं और 20,000 के इस मशीन में आप 300 प्रकार का जो है प्रोडक्ट का पैकेजिंग कर सकते हैं? अगर आप पेपर प्लेट बिजनेस को कर रहे हैं, आटा चक्की लगा करके बेसन और सत्तू जो है पीस कर पैकिंग करना चाहते हैं, काजू किशमिश या खड़ा मसाला पैकिंग करना चाहते हैं, छोटे छोटे रोजगार में होते हैं रुई बत्ती मशीन पैक, मतलब बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पैक करके मार्केट में सेल किया जाता है, वैसा अगर आपको मशीन चाहिए तो आज की इस वीडियो में इस मशीन के बारे में मैं फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। इसमें जो है आप पानी भी पैक कर सकते हैं और मैं लाइव जो है पैकिंग करके दिखाऊँगा। सो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं इस मशीन के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये है बैंड सेलर मशीन, और ये जो है ये दो टाइप से, आप इसे नीचे रख के भी पैकिंग कर सकते हैं और इसे ऊपर करके, यानी 5 किलो का अगर पैकेट बनाना है तो यहाँ से इसे ऊपर करके जो है पैकेट बना सकते हैं। 2 किलो या 250 ग्राम 100 ग्राम का बनाना है तो ये चीज़ आपका नीचे आ जाएगा। तो हर रूप से आप इसे उपयोग कर सकते हैं। ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती है। अभी मैं इसको मैं चला के दिखाता हूँ और पैकिंग भी करने का प्रोसेस बताऊँगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। दोस्तों ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से जो है ये मशीन चलती है। तो अभी मैं इसका फीचर पहले बता देता हूँ कि ये क्या फीचर है। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट हमारा है ये मोटर का है, यानी जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये हमारा मोटर जो है ये मोटर ऑन हो जाएगा। और इसे हम देख लीजिए, ये हमारा मोटर ऑन हो गया। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो हीटर का है, ये हीटर देखिए, ये हमारा हीटर शो होने लगा। इसमें देखिए इसमें जो है टेम्परेचर आपका शो करेगा कि कितना टेम्परेचर पे। तो ऐसे कोई भी आप पैकेजिंग, जैसे ज़्यादा पतला पन्नी है तो आप 150 के टेम्परेचर पर पैकिंग कर सकते हैं, और मोटा पैकेट जैसे कुरकुरे का पैकेट देखे होंगे आप लोग या फिर दाल का पैकेट देख लीजिए, काजू किशमिश का पैकेट, तो उसे 200 टेम्परेचर पे पैकिंग किया जाता है। तो 221 सेट करके रखा हुआ है और ये अभी 36 टेम्परेचर हो गया, जैसे कि हीटर ऑन कर दिए हैं तो ये हमारा हो रहा है। अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो यहाँ से देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए ये देखिए कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सेट भी कर सकते हैं। तो ये 216 में सेट किया हूँ तो ये 216 पे जाके रुक जाएगा। अब पैकिंग करने का क्या प्रोसेस है, ये फ़ैन है तो फैन जो है ऑन रखना है। अब पैकिंग करने का प्रोसेस है, आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोटर ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ से जो है प्रोडक्ट लगाना है, देखिए इस जगह जो है प्रोडक्ट पैकिंग होती है। तो अभी मैं डेमो के तौर पे इसमें कुछ पैकिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में ये एक मसाला का जो है पैकेट है, ये फटा हुआ है, देख लीजिए ये फटा हुआ है। अभी इसको मैं सील करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये कोई नया पैकेट नहीं है, मैं यूज किया हुआ जो है अभी सील करके दिखाता हूँ कि इससे किस प्रकार का जो है सील होता है। तो ये मैं मोटर को ऑन कर लिया हूँ, देख सकते हैं हमारा मोटर जो है ये चल रहा है। अब यहाँ से क्या करने हैं, हमें प्रोडक्ट को लगाना है, चूँकि ये फटा हुआ है तो हम इसे तिरछा लगाएंगे। ये जो है ये लग गया, देख लीजिए ये जा रहा है, अब इधर से जो है ये हमारा पूरा सील होके निकलेगा। आप देख लीजिए कितना बेस्ट सीलिंग आया है, आप देखिए ये जो है ये पूरा फटा हुआ था, ये देखिए ये पूरा जो है ये अब ये किसी तरीके का गिरने वाला नहीं है, ये पूरा काफ़ी बेस्ट सीलिंग आया है। अब मैं आपको इस मशीन में पानी पैकिंग करके दिखाता हूँ कि ये पानी किस प्रकार से पैक करता है। इसमें से जो है पानी इसमें डालना हूँ, फिर आपको मैं पैकिंग करके मशीन से दिखाऊंगा। तो ये मैं पानी ले लिया हूँ, देख सकते हैं इतना पानी मैं अभी लिया हूँ।
तो अभी मैं आपको पैकिंग करके दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से जो है सील करता है। मैं जो है इसमें आपको सीलिंग करके दिखाता हूँ, यहाँ से मोटर स्टार्ट करके और इसको लगाता हूँ। देख लीजिए इस तरीके से जो है मैं लगा दिया हूँ और ये देख लीजिए सीलिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से सीलिंग होके इधर निकल जाएगा। उसके बाद मुझे मैं हाथ में ले करके इसे मैं दिखा दूँगा आपको, तो ये देख सकते हैं ये जो है ये देखिए ये किस प्रकार से ये पानी है और ये बिल्कुल सील हो चुका है। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो है ये सीलिंग किया। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी आइटम को सील कर सकते हैं। अभी और भी प्रोडक्ट मैं इसमें आपको सील करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों किन्हीं लोगों को जो है बड़ा जो है पैकेट का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये बड़ा पैकेट इस प्रकार का देखिए ये देख लीजिए ये है और इसे जो है इस प्रकार से मैं अभी पैक करके आप लोगों को ये देखिए ये बड़ा है, ये मशीन सील करती है। तो इस तरीके से हमें लगा करके और छोड़ देना है। तो देख सकते हैं ये जो है सील होके आ चुका है। ये काफ़ी बेस्ट तरीका से जो है ये सील की है। ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये सील हो गया। यानी भारी से भारी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं आप इस मशीन के थ्रू क्या कर सकते हैं पैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के मशीन के लिए अगर आप जो है डेमो लेना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करके जो है इस प्रकार के मशीन का डेमो ले सकते हैं। डेमो लेकर के जो है मशीन को परचेज करके, चाहे वो आटा प्लांट स्टार्ट कर रहे हो, बेसन प्लांट स्टार्ट कर रहे हो, या किसी भी प्रकार का अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग का अगर बिजनेस करना है तो इस मशीन के थ्रू आप जो है स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपको मसाला प्लांट अगर चाहिए तो ये देखिए ये ब्लोअर टाइप, अगर छोटा प्लांट चाहिए तो ये 3 HP का जो है ये डबल चेंबर में काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो है पल्वलाइजर मशीन मिल जाएगा। इसमें हल्दी का पिसाई अभी थोड़े दिन पहले ही किया गया जी। तो इस तरीके का जो है आप बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए यहाँ विजिट कर सकते हैं और विजिट करके बेहतर मशीन लेकर के जो है बेहतर स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।